अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे हम पार्टी की तरफ से सारी जनता को, जो उन्होंने जिस तरह से प्यार हम लोगों को दिया है और प्यार देकर हमें आगे करने की कोशिश की है, हमें आगे किए हैं और जिस प्यार और भावना से हमें जिताया है, उन सब माताएं, बहनों और जनता, हमारी प्यारी जो जनता है, उन सबको बहुत बहुत बधाई हम पे विश्वास करने के लिए, हमारी हम पार्टी पे विश्वास करने के लिए, हमारे माननीय जीतन मांझी जी पे विश्वास करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कल रुझान आना शुरू हुए, उसको देखते हुए चौंकाने वाला आया, लेकिन आप लोग कह रहे थे शुरू से कि 400 प्लस सीट लाएंगे, लेकिन 400 तो आया नहीं। कहने को तो ये भी कहा जा रहा था कि इस बार NDA आएगी ही नहीं, तो हमारी सरकार तो आई और हम भी आए। कहने को तो बहुत कुछ बातें कही जा रही थी। कहने को तो जीतन राम मांझी जी के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि बाप को हरा के बेटा ही आगे निकलेंगे, लेकिन जो जनता गया कि जनता है ना, वो बेटे को ढूंढ रही है कि कहाँ गया बेटा। अरे भाई, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, अब बेटा बाप से तो आगे निकल नहीं सकता है। तो कहने को बहुत कुछ बातें आती हैं, इनको छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनता हमें चुनी है और हम जनता के विश्वास पे खड़े उतरे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग दावा कर रहे थे 400 सीट, लेकिन तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, तो उसकी तो सरकार बनी नहीं। देखिए, वही तो कह रहे हैं ना कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कही गई। कही तो ये भी गई कि अब की बार NDA नहीं आएगी, अब की बार मोदी जी नहीं आएंगे, मगर वो सब भूल गए थे कि मोदी जी क्या हैं, जीतन राम मांझी जी क्या हैं। अगर मोदी जी जिस तरह से काम किए हैं कि उनको पूरी दुनिया लोहा मानती है, और जिस तरह से माननीय जीतन राम मांझी जी लोगों की बातों को सुनते आए हैं, उनकी आवाज़ को उभारते आए हैं, आगे लाते आए हैं, पिछड़ों की आवाज़ बने हैं, गरीबों की मसीहा बने हैं, तो ऐसे लोगों को दबाना आसान नहीं है। आज हमारी ही सरकार है, विपक्षियों से हम कहना चाहते हैं कि जितने दावे आपने किए वो खोखली पड़ गई। तो इसे समझिए कि जनता आप पे कितना भरोसा करती है। जनता जो प्यार और भरोसा दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ NDA को दी है, हमें दी है, हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को दी है, मोदी जी को दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, सही बात है? देखिए, हवा उड़ाने का तो कुछ भी हवा उड़ा सकते हैं। हवा में तो ये भी आ रहा था, हवा में तो बहुत कुछ आ रहा था। अब जो ये दिखाएं कि भैया हम हेलीकॉप्टर बैठ के मछली खा रहे हैं, देख लीजिए नवरात्रि में, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की अफवाह नहीं उड़ा सकते हैं। अफवाह बहुत सारी आती हैं, हम अफवाहों पे ध्यान नहीं देते हैं। आज के टाइम में देखिए ना कि हम सब साथ हैं। अब वो विपक्षी वाले जो हवा उड़ा रहे, वो देखे ना, वो हल्ला करते हैं कि इंडिया इंडिया हम सब साथ हैं, मगर जहाँ भी वो मीटिंग किए, जहाँ भी वो बैठक किए, कहीं वो साथ रहे ही नहीं। कभी कोई और उठ उठ के भाग गए, कहीं केजरीवाल उठ के भाग गए, तो ये लोग का रूठे रूठे चलते रहा, मगर NDA में किसी का रूठने मनाने का तो चला नहीं। तो आज भी हम सब साथ हैं और पहले भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। जिस तरह से लोग अफवाह कितना भी उड़ा ले, वो बस तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहता है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो ये लोग ठिसुआ गए। अब ठिसुआने के बाद करेंगे क्या, इनके पास कुछ बचता नहीं है। तो हवा सोचा कि हवा ही उड़ा के देख लें, तो हवा उड़ाने से कुछ होता नहीं, सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई तो ये भी आ गई कि जनता हमें चुनी है, आज हमारी सरकार है, तो सिंपल बात है कि आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने चमाटा मार दिया और जनता चमाटा मार के बता दी कि देखिए हम किसको मानते हैं और कौन हमारे मालिक है। देखिए, ऑफर तो हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को भी मिला था मुख्यमंत्री बनाने का, ये भूल गए आप, ये तो उनको भी आया था। तो क्या हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी आए क्या? नहीं आए ना। इन लोगों का काम है लोगों को ठग करके, हालांकि ठगने वाले तो है नहीं हमारे सारे नेता, लेकिन इन लोगों का कोशिश है कि हम सबको बरगला फुसला कर, नहीं तो लास्ट में देकर खरीदने की कोशिश की जाए, तो खरीदने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं है। ये लोग ठिसुआ गए ना, हार गए, अब सोच रहे कि बस किसी को तो लोभ लालच दे के बुला लें, खरीद लें, लेकिन यहाँ खरीद बिकने वाला मैटर तो है ही नहीं, कोई बिकने वाले नहीं है। वो तो इनकी ये गलत फहमी में जीते रहे थे और जीते हैं, अब मेरे ख्याल से पता नहीं आगे क्या करेंगे बेचारे। अब हार तो गए ही हैं, ठिसुआ तो गए ही हैं, अब इनको कहने का तो कहीं कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। अब वो बेचारे खिसिया कर जो करे, या तो खम्भा नोचे, या तो किसी पेड़ के नीचे पतझड़ नोचे, क्या फर्क पड़ता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।